दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कर्नाटक चुनाव में अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, मुश्किल से 4 दिन। और जैसे हाल के सालों में हमने देखा है, हर चुनाव में, चुनाव जितने करीब आते हैं, बीजेपी का ध्रुवीकरण वाला एजेंडा खुल्लम खुल्ला सामने आ जाता है। पहले मोदी जी ने कर्नाटक की अपनी रैलियों में बजरंग बली के नारे लगवाए, और अब मोदी जी की मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ा अजीब सा बयान दे दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा है, मैं डीके शिवकुमार से कहना चाहती हूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसे में अच्छा है कि हनुमान मंदिर बनाने को लेकर झूठे वायदे नहीं करें। क्या उन्हें प्रियंका गांधी के बारे में पता है? मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमेठी में प्रियंका गांधी को गली में नमाज अदा करते देखा है। अब इस मामले में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी से पूछा है कि दिल्ली में आपके घर से कुछ दूरी पर इस देश के होनहार बेटियां शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, क्या वो देखा है आपने? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती और गला तब फाड़ती है, मुंह तब खोलती है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना होता है। आप लाख कोशिशें कर लीजिए स्मृति जी, कर्नाटक ने मन बना लिया है। आपकी 40% कमीशन खोरी सरकार को कर्नाटक निकाल बाहर करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। दोस्तों, कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। जरा मुझे ये बताइए, एक हिंदू का दूसरे हिंदू के लिए कहना कि मैंने फलाने को नमाज पढ़ते देखा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, नियत क्या है? आप 1% इस मामले को उल्टा कर दीजिए और सोचिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहे कि मैंने फलाने को पूजा करते देखा है, हमें कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि पूजा करना हमारे लिए सबसे पवित्र काम है। इसके जरिए हम अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। ठीक वैसे ही नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज पढ़ना एक पाक काम है। अब मजे की बात यह कि टीवी वाले इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने यह बात बोली क्यों, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। दूसरी बात इससे भी गंभीर है, स्मृति ईरानी को यह तो पता है कि फलाना क्या कर रहा है और ढिमकाना क्या कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। दोस्तों, कल जब स्मृति ईरानी ने यह बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर, कल ही ये खबर आई थी कि कश्मीर के राजौरी में हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए। अब ये देख लीजिए आप स्मृति ईरानी की ट्विटर टाइमलाइन, इसमें भर भर के कर्नाटक चुनाव के प्रचार के ट्वीट्स हैं, लेकिन एक भी ट्वीट हमारे इन जवानों के लिए नहीं आया। सवाल यह कि स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी क्या करती हैं दिख जाता है, लेकिन देश के जवानों का बलिदान नहीं दिखता क्या? क्या हमारे जवानों का सर्वोच्च बलिदान स्मृति ईरानी का एक ट्वीट भी डिजर्व नहीं करता? ये उस सरकार की मंत्री कर रही हैं दोस्तों, जिसकी पूरी की पूरी सरकार ही राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर चल रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।